नमस्कार, मैं प्रिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने के पीछे के राज के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते किसे हैं। ग्रहण यानी कि इक्लिप्स का नाम हम सबने सुना है, साथ ही ग्रहण के नाम से ही लोग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जारी किए गए नियम कानून का पालन करने भी लग जाते हैं। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि ग्रहण आखिर लगता कैसे है, तो हम आपको बता दें, ग्रहण आमतौर पर तब लगता है जब आकाशीय पिंड का पूरा या आधा हिस्सा किसी दूसरे ग्रह से ढक जाता है, तो इसे ग्रहण कहते हैं। पूरे विश्व में दो तरह के ग्रहण होते हैं। पहला है सूर्य ग्रहण, जिसे हम अंग्रेजी में सोलर इक्लिप्स कहते हैं, और दूसरा है चंद्र ग्रहण, जिसे हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे सूरज का हिस्सा नहीं दिखता है, यानी कि सूरज की रोशनी को चांद ने रोक लिया होता है, और ऐसे समय में चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, जो कि लगभग 50 किलोमीटर एरिया तक पहुंचने का सामर्थ्य रखती है। तब जब ऊपर बताई गई स्थिति उत्पन्न होती है, हम उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि जिस देश में चंद्रमा की परछाई पड़ती है, वहां सूर्य ग्रहण कहा जाता है। हालांकि हम अपने यूजर को बता दें, ग्रहण की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ एक ही लाइन में आ जाते हैं, यानी कि लीनियर के समय ही ग्रहण लगता है। आपको बता दें, तीन तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं। पहला है पार्शियल सूर्य ग्रहण। इस तरह के ग्रहण में सूरज कम ढका होता है, यानी कि चंद्रमा की कम परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम इसे पार्शियल सूर्य ग्रहण कहते हैं। दूसरा होता है एन्युलर। इस तरह के ग्रहण में सूरज का आधे से ज्यादा हिस्सा चंद्रमा के साए में ढक जाता है। ऐसे परिस्थिति को हम एन्युलर ग्रहण कहते हैं। टोटल सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्र संपूर्ण रूप से सूर्य को ढक देता है, और ऐसे समय में अंधकार की परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, तो इस परिस्थिति को हम टोटल ग्रहण कहते हैं। हालांकि भारत में ज्यादातर पार्शियल ग्रहण ही लगता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सूर्य ग्रहण जल्दी खत्म हो जाता है। अमूमन सूर्य ग्रहण ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट 8 सेकंड का ही हो सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है, और अपने एक्सिस पर घूमने के कारण चंद्रमा की परछाई पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, और यही कारण है कि सूर्य ग्रहण जल्दी खत्म हो जाता है। जानकारों की माने तो न्यू मून के दिन सूर्य ग्रहण ज्यादा लगता है, और अक्सर अमावस के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। विशेषज्ञों द्वारा यही सलाह दी जाती है कि कभी भी सूर्य ग्रहण को डायरेक्ट यानी कि अपनी आंखों से सीधे तौर पर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अब हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण को अंग्रेजी में लूनर इक्लिप्स भी कहते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब पृथ्वी से सूरज पूरी तरह से दिख रहा होता है, मगर सूरज की रोशनी को पृथ्वी बीच में ही रोक देता है, इसलिए चंद्रमा का कुछ हिस्सा हमें कटा हुआ दिखाई देता है, जिसे हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। चंद्र ग्रहण लगने का एक्यूरेट टाइम 3 घंटे से ज्यादा होता है। चलिए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण लगता कैसे है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, और सूरज की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचने देती है। ऐसे में चंद्र ग्रहण लग जाता है। जानकारों की माने तो चंद्र ग्रहण अक्सर पूर्णिमा के दिन लगता है। जब पृथ्वी बीच में नहीं होती है, तो सूर्य का प्रकाश सीधा चांद पर पड़ता था। ऐसी स्थिति को हम पूर्णिमा कहते हैं, और इसी दिन पूरा चांद निकलता है। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है। चंद्र ग्रहण अनेक प्रकार के होते हैं। पूरा चंद्र ग्रहण, इसमें अगर पृथ्वी सूर्य किरणों को पूरी तरह रोक लेता है, तो उसे पूरा चंद्र ग्रहण कहते हैं। दूसरा है आंशिक चंद्र ग्रहण। जब चांद का एक भाग छिप जाता है, तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं को देखें तो समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच विवाद हो रहा था, तब इसे सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। इन्हें देख देवगण और दानव दोनों ही मोहित हो गए। तब विष्णु जी ने देवताओं और दानवों को अलग अलग बिठाया। इसी बीच एक दानव को इस चाल पर शक होने लगा। वो दानव देवताओं की पंक्ति में सबसे आगे बैठ गया और अमृत पान करने लगा, लेकिन चंद्रमा और सूर्य ने उस असुर को ऐसा करते देख लिया, और इस बात की जानकारी विष्णु जी को दी। यह जानने के बाद विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वो अमृत पान कर चुका था। ऐसे में उसकी जान नहीं गई। इस असुर के सिर वाला भाग
राहु और धर वाला भाग केतु के नाम से जाना जाता है। उसकी यह दशा सूर्य और चंद्रमा के कारण हुई थी। ऐसे में राहु केतु ने उन दोनों को अपना दुश्मन माना। राहु केतु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और अमावस्या के दिन सूर्य को खाने की कोशिश करते हैं। जब वो सफल नहीं हो पाते हैं तब इसे ग्रहण कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के दौरान कई चीजों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, जिसमें अक्सर खाना नहीं खाने की सलाह लोगों को दी जाती है। सूर्य ग्रहण के समय बहुत अधिक मात्रा में अल्ट्रा वायलेट रेज निकलते हैं, जो खाने पर बुरा प्रभाव डालते हैं। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के समय किसी को भी सोना, कंघा करना, ब्रश करना, बाहर जाना और चांद को नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा करने में कोई हानि भी नहीं है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।